गाजे गाजे छे महावीर नो शासन गाजे छे, गाजे गाजे छे महावीर नो शासन गाजे छे। दुष्म कारणी काल रात्रि मा जय जय कार मचावे छे। गाजे गाजे छे महावीर नो शासन गाजे छे। प्रणाम, जय महावीर, जय जिन शासन। आज से 2600 साल पहले चरम तीर्थपति श्री महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय कुंड में सिद्धार्थ राजा और त्रिशला रानी के घर हुआ। जन्म से राजकुमार परंतु त्यागी, हमें बहुत कुछ सिखा गए। इस मानव जाति को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखा कर गए। इस व्यवहार जगत के लिए सत्य और अहिंसा, और जिन लोगों को स्वयं महावीर बनना है उसके लिए महावीर बनने का रास्ता खुला कर गए। उस मार्ग को दिखाने के लिए अपना जिन शासन यहाँ पर स्थापना करके गए। उस जिन शासन के स्थापक का आज चैत्र सुद 13 के दिन जन्मदिन है। आओ हम सब उनका जन्मदिन जैसे उन्हें बहुत अच्छा लगे वैसे मनाएं। तो कैसे मनाओगे, वो तो मोक्ष में है। उन्हें जो अच्छा लगे वो हमारे आत्मकल्याण का मार्ग है, वो तो मोक्ष में है, केवल करुणा कर सकते हैं। आज हम ऐसे उनका जन्मदिन बनाए कि हम महावीर बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ा लें। हम केक नहीं काटेंगे, हम होटल में जाके पार्टी नहीं करेंगे, हम अभक्ष नहीं खाएंगे, तो हम क्या करेंगे? अपने बालकों को ये वीडियो अवश्य दिखाना कि भगवान का जन्मदिन कैसे मनाया जाता है। जब हम सुबह सवेरे मंदिर जाएंगे, भगवान के स्नात्र महोत्सव करेंगे, जहाँ परमात्मा का जन्म हुआ था वहां पर कई सैकड़ों देवता आकर, देवी देवता आकर उनका अभिषेक करते हैं, मेरु पर्वत पर लेकर जाते हैं और इतनी धूमधाम से उनका जन्माभिषेक होता है। हम एक छोटी सी बात तो अवश्य कर सकते हैं, हम मंदिर में जहाँ स्नात्र पूजा चल रही हो या स्पेशली हम अष्टप्रकारी पूजा करें और भगवान महावीर का अभिषेक करें उस दिन। यहाँ से हम अपने जीवन की मंगलमय, हमारे दिन की मंगलमय शुरुआत करें। ये शुरुआत के बाद हम रास्ते में आते हुए जितने भी गरीब, जितने भी भिक्षु, जितने भी साधारण तबके के लोग हैं, अगर हमें मिले और अगर हमारी शक्ति हो तो हमारी शक्ति के अनुसार उन्हें कुछ न कुछ मिठाई, उन्हें कुछ न कुछ स्वीट्स बांटे, चॉकलेट्स बांटे बच्चों को, ये हम जरूर कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर देखना कि इसमें कोई अभक्ष चीजें ना हो, जैसे मेरे मुंह से अभी चॉकलेट निकल गया, लेकिन चॉकलेट नहीं परंतु जो भी स्वीट हो, जो अभक्ष ना हो, जो महावीर के बताए मार्ग से मिली हुई खाने पीने की चीज हो वैसी चीज बांटे। हम अपने घर के आंगन में दिए जलाएं जैसे कि दीपावली हो, हमारे लिए वो उतना ही खुशी का दिन है जितना दीपावली का दिन। आज हम ये तय करें कि हम अपने कुटुंब, हम अपने परिवार को साथ में लेकर एक दिन समूह में भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, भगवान को याद करें। जैसे लॉकडाउन में हम हर शाम या हर सुबह साथ में मिलकर कुछ ना कुछ गायन गाते थे, तो हम विपत्ति के समय ही ऐसा क्यों करें, हम हमारे खुशी के समय में ऐसा क्यों ना करें। जन्म कल्याणक, हम जन्म जयंती नहीं कहते, हम जन्म कल्याणक कहते हैं क्योंकि ये पूरी दुनिया के सभी जीवों के कल्याण के लिए है। तो हम ये कल्याणक की सेलिब्रेशन ऐसे करें कि हर देखने वाला ये कहे कि वाह क्या सेलिब्रेशन है। तो मैं आशा करता हूं कि आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जन्म कल्याणक करने की मैंने जिस जैसे कहा उससे भी बेटर तैयारी करेंगे। घर के आंगन में रंगोली सजा सकते हैं, सॉरी मैं भूल गया पोस्टस्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे मनाते हैं अपने महावीर स्वामी का जन्मदिन।